ये चल रही है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों की 26 जनवरी की प्रिपरेशन, क्योंकि काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन होता है स्कूल में 26 जनवरी को। चैनल एंड टूडीज व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 5:30 और आज मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज जाना है स्कूल जल्दी, क्योंकि आज है 26 जनवरी और स्कूल में फंक्शन होता है सभी में, आपको पता ही होगा फ्लैग होस्टिंग वगैरह होती है। तो 8 बजे तक स्कूल पहुँचना है, तो मुझे नहाना भी है, घर का काम वगैरह भी है, तो इसीलिए मैं जल्दी उठ गई। अभी गीज़र ऑन किया है, नहाएंगे, रेडी होंगे और हेयर वॉश भी करने, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कितने स्टिकी हेयर्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो नहा के आती हूँ मैं, फिर आपसे मिलती हूँ। हे गाइस, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने हेयर वॉश भी कर लिए हैं। अब मैं अपने हेयर को ब्लो ड्राई करूँगी अपने अगारो के हेयर ड्रायर से। बहुत ही शानदार हेयर ड्रायर है और आप लोग ना पूछते रहते हो कि आप पहले क्या यूज़ करते थे, अब क्या यूज़ कर रही हो। तो पहले मैं जो ड्रायर यूज़ करती थी वो मैं यूज़ करती थी फिलिप्स का, बट ये इतना अच्छा नहीं है। सही बताऊँ ना तो मुझे इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस पसंद नहीं आती है, कम पसंद आती है। जबकि ये जो अगारो का हेयर ड्रायर है ये बहुत ही शानदार है। अगारो हेयर ड्रायर लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट आता है, जिसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं। ये स्टाइलिश होने के साथ साथ ही फोल्डेबल हैंडल के साथ आता है। वहीं फिलिप्स का हेयर ड्रायर स्मॉल साइज में तो आता है बट फोल्डेबल नहीं है। अगारो हेयर ड्रायर में आपको 1400 वॉट की मोटर मिलती है, जबकि फिलिप्स हेयर ड्रायर में आपको सिर्फ 1000 वॉट की मिलती है। अगारो हेयर ड्रायर में आपको 1.8 मीटर कॉर्ड मिल जाती है, जबकि फिलिप्स हेयर ड्रायर में आपको सिर्फ 1.5 मीटर की कॉर्ड मिलती है। अगारो हेयर ड्रायर में हनीकॉम एयर इनलेट आता है, जिससे बेटर एयर फ्लो मिलता है। अगारो हेयर ड्रायर में कंसंट्रेटर नोजल आता है, जिसे इजीली अटैच एंड डिटैच कर सकते हैं, जो कि स्टाइलिंग में हेल्प करता है। जबकि फिलिप्स हेयर ड्रायर में वाइडर नोजल आता है। अगारो हेयर ड्रायर में ऑटो शट ऑफ का बटन आता है, जिससे ओवरहीट का चांस नहीं रहता, जबकि फिलिप्स एयर ड्रायर में ऑटो शट फंक्शन ऑन नहीं होता है। अगारो हेयर ड्रायर में कूल शॉट बटन है, जो कि कूल एयर को बस देता है, जिससे हेयर स्टाइल को सेट कर सकते हैं, जबकि फिलिप्स एयर ड्रायर में कूल शॉट बटन नहीं है। अगारो हेयर ड्रायर 2 स्पीड एंड 3 टेम्परेचर सेटिंग के साथ आता है, जिसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। एंड फिलिप्स एयर ड्रायर में 2 स्पीड सेटिंग्स ही आती हैं। अपने हेयर ड्राई कर लिए हैं और आप देखिए, मतलब सिर्फ ड्राई करने से ही बिल्कुल आपको मेरी सारी लेयर्स दिख रही होंगी, मतलब अलग से मुझे हेयर स्ट्रेट करने की या स्मूथ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस ड्रायर ने वो ऑलरेडी काम कर दिया है। अगर आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे दिए हैं, आप वहाँ जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं पहुँच गई थी स्कूल पे, थोड़ा सा मैं लेट हो ही गई थी, 8:40 तक पहुँची, लेकिन तब तक कुछ हुआ नहीं था। सर वगैरह प्रिपरेशन ही करा रहे थे, गांव वाले भी आने बाकी थे जिन्हें एज अ गेस्ट बुलाया था, और बाकी भी जो पेरेंट्स थे। और यहाँ पे ये हमारे पूजा मैम हैं, वो बच्चों के साथ मिलके थोड़ा उनकी हेल्प करके रंगोली बनवा रहे थे, क्योंकि सर ने बोला था एक रंगोली तो होनी चाहिए। अब ये हमारा टाइम हो गया है फ्लैग होस्टिंग का, क्योंकि एक दो गेस्ट आ चुके थे, बट जो फ्लैग होस्टिंग का टाइम है वो हमें आगे से मिला हुआ था, तो उसी पे हमें करानी थी। तो ये बच्चे वगैरह सब लाइन में आ गए हैं, हम सारा स्टाफ भी। ये हमारी फ्लैग होस्टिंग हुई, बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है जब फ्लैग होस्टिंग होती है। और उसके बाद हमारा राष्ट्रगान स्टार्ट हो गया था। फ्लैग होस्टिंग के बाद जो गांव के सरपंच वगैरह थे, जिन्हें हमने एज अ गेस्ट बुलाया था, अध्यक्ष वगैरह थे, वो यहाँ पे सरस्वती माता को माला अर्पण कर रहे हैं और साथ में फिर दीप प्रज्वलित करेंगे। तो जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं वो गाइड कर रहे हैं उन्हें कि किस तरीके से क्या करना है। और सरस्वती माँ के आगे माला अर्पण करने के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आगे माला अर्पण और दीप प्रज्वलित किया। और अब यहाँ से हमारे बच्चों का जो 26 जनवरी का फंक्शन था वो स्टार्ट हुआ है। बाकी फिर वो धीरे धीरे सभी गेस्ट आ रहे थे।
श्रीमान शेखर जी का स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान रामदेव जी शास्त्री जी, धन्यवाद, तालियां बजती रहें। महोदय अब माला अर्पण करेंगे रमेश जी सर को, तालियां बजती रहनी चाहिए बच्चों। मुकेश जी सर को माला अर्पण करेंगे मुख्य महोदय, बच्चों क्लैपिंग। अब मीनाक्षी जी पूजा मैम को माला अर्पण करते हुए, युवा नेता रोहिता जी जाकर साहब और विद्यालय परिवार और हम सबके और इस विद्यालय में आने के बाद आप लेकर ही जाने, धन्यवाद बाल को आपका दोस्त बना रहे हैं। अब